अल्फाडॉइड 2.1 का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पोको F5 डिवाइस के लिए लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल हो गया है एंड यहाँ पर एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। अल्फाडॉइड 2.1 का जो है ऑफिशियल अपडेट है यहाँ पर 5th May 2024 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो बिल्ड है उसको इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है 5.10 कर्नल के ऊपर बेस करके इस अपडेट को तैयार किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है ब्लर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है जो कि काफ़ी सही है एंड कुछ इस तरह से ऐप ड्रॉअर के साथ भी ब्लर का जो ऑप्शन से अवेलेबल है। यहाँ पर अबाउट फोन सेटिंग्स मेनू कम्प्लीटली यहाँ पर जो है चेंज हो गया है। देख सकते हो सेटिंग्स मेनू के साथ कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। बाकी ये जो रोम है काफ़ी स्मूथ है, स्टेबल एंड्रॉयड 14 को एक्सपीरियंस कर सकते हो पोको F5 डिवाइस के ऊपर। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्फाडॉइड का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस अपडेट को डाउनलोड कर सकते हो पोको F5 डिवाइस के लिए। ऑफिशियल अपडेट है एंड GApps एंड वेनिला दोनों बिल्ड ही अवेलेबल है। हमने यहाँ पर GApps बिल्ड को इंस्टॉल किया है प्लस इस अपडेट के साथ जो है ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। ऑटो ब्राइटनेस को यहाँ पर जो है फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इस ऑप्शन को एनेबल करके आप जो है कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन जो है काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर जो स्कॉलिंग एनिमेशन हो जाए काफ़ी सही है। देख सकते हो सेटिंग्स मेनू यहाँ पर ऐप ड्रॉयर इवन क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ भी हमने कोई भी लैग नोटिस नहीं किया है, काफ़ी सही जो है पर कॉलिंग एनिमेशन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है हाइपरओएस का जो कैमरा है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर HDR, वॉइस शटर, टाइमर, AI कैमरा, ये सभी ऑप्शन है। पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड भी काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर 64 मेगापिक्सल, पैरानोमा, स्लो मोशन, ये सभी ऑप्शन है। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है 4K 30 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फुल HD 60 FPS का ऑप्शन है। बाकी प्रो मोड भी काम कर जाएगा। तो यहाँ पर पोको F5 डिवाइस के साथ आप जो है 4K 30 FPS के साथ ही वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर हाइपरओएस का कैमरा है। बाकी यहाँ पर कैमरा टू API के साथ जो है Level 3 का सपोर्ट है। गूगल कैमरा काम कर जाएगा, GCam यहाँ पर काम कर जाएगा इस अपडेट के साथ। यहाँ पर डेडिकेटेड गेमिंग मोड को ऐड किया गया है। Gemini AI भी काम कर जाएगा। हमने यहाँ पर जो है GApps बिल्ड को इंस्टॉल किया है इसलिए जो है प्ले स्टोर भी अवेलेबल है। कुछ इस तरह से रिकॉर्डेड एप्लीकेशन देखने को मिलता है। प्लस जो हैप्टिक फीडबैक है उसे भी यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। प्लस फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से जो है लॉक स्क्रीन UI को ऐड किया गया है। यहाँ पर एंड्रॉयड 14 के साथ जो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल भी देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल कनेक्टिविटी की अगर बात करें 5G, 4G, VoLTE, Wi-Fi सभी जो कनेक्टिविटी के रिलेटेड फीचर्स जो यहाँ पर काम कर रहा है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस किया है, ज्यादा जो है बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ, जो कि काफी सही है। यहाँ पर वायरलेस पावर शेयर का ऑप्शन है जो कि पोको F5 डिवाइस के ऊपर काम नहीं करेगा। बाकी यहाँ पर ऑन द गो का जो फीचर्स है अवेलेबल है। यहाँ पर रीडिंग मोड, एक्सट्रीम, QR कोड, डार्क मोड, ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। एनीवे अभी फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में। तो हमने यहाँ पर कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है उसे रन किया था। यहाँ पर 3DMark के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 7266 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है पोको F5 डिवाइस के साथ। तो यहाँ पर 3DMark का जो स्कोर है काफ़ी सही है। Geekbench 5.5.1 के साथ सिंगल कोर के साथ 831, मल्टी कोर के साथ 3591 का जो स्कोर है देखने को मिलता है। यहाँ पर सिंगल कोर मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से कम देखने को मिला है। तो शायद यहाँ पर आपको बेटर जो है बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है इसलिए जो है कुछ इस तरह से बाई डिफॉल्ट स्कोर है। एंड Geekbench 6.3.0 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 1136 एंड मल्टी कोर के साथ 4097 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। बाकी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स, विदाउट रूट सेफ्टनेट पास हो जाएगा। यहाँ पर गूगल पे, फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम करेगा इस अपडेट के साथ। बाकी यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर
थर्मल प्रोफाइल का ऑप्शन है, बैटरी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, स्लीप मोड, चार्जिंग कंट्रोल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, या पर ऑटोमेटिक शेड्यूल, कस्टम शेड्यूल, लिमिट चार्जिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो बैटरी ड्रेन है काफ़ी कम है। हमने यहाँ पर डिवाइस को यहाँ पर सोने से पहले 100% चार्ज किया था एंड यहाँ पर लगभग 1% का जो है बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है ओवरनाइट। तो बैटरी ड्रॉप जो है काफ़ी कम है एंड अगर आप लगातार डिवाइस की यूज़ करते हो 120 हर्ट्ज के साथ तो आपको 7 आवर एंड 7.5 आवर के आसपास जो है स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। ऑफकोर्स डिपेंड करेगा आप कौन कौन से एप्लीकेशन की यूज़ करते हो, तो बट अगर आप एक हेवी यूज़र हो तो आपको डेफिनेटली 7 आवर्स से भी ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा इस अपडेट के साथ, जो कि काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी देखने को मिलेगा, ऐसे भी फीचर्स है। तो यहाँ पर यूजर इंटरफेस के साथ जो है मोनेंट सेटिंग्स का ऑप्शन है, यूआई स्टाइल का ऑप्शन है, इवन जो सेटिंग्स स्टाइल उसे एडजस्ट कर सकते हो, नेविगेशन बार स्टाइल, यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल, आइकॉन पैक, उसे भी यहाँ पर कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, सिग्नल आइकॉन स्टाइल, वाईफाई आइकॉन स्टाइल, ऐसे भी को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर सर्च बार के ऊपर जो आइकॉन है उसे कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, डायरेक्ट डिजिबल इंडिकेटर का फीचर से, 4G आइकॉन, ब्लूटूथ बैटरी सेटर्स, माइक कैमरा, लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन काउंट का जो फीचर से काम कर जाएगा। यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के साथ जो है बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज, डुअल टोन थीम, इवन जो क्विक सेटिंग्स पैनल का जो ओपेसिटी है उसे भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, प्लस ऑटोमेटिक ब्लूटूथ ऑन का जो फीचर से ऐड किया गया है। तो ये जो फीचर है अगर हम यहाँ पर बंद करते हैं उसके बाद ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए पहले यहाँ पर टैप करना होगा, उसके बाद इस ऑप्शन में टैप करना होगा, उसके बाद ब्लूटूथ ऑन होगा। बट अगर हम इस ऑप्शन को जो ऑटोमेटिक ब्लूटूथ ऑन का जो ऑप्शन है इसे अगर हम एनेबल करते हैं उसके बाद ब्लूटूथ को एनेबल करने के लिए सिंपली टैप करते हैं, ब्लूटूथ का जो टॉगल है यहाँ पर एनेबल हो जाएगा। तो ये जो फीचर है जरूर से एनेबल करना। यहाँ पर जो ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकॉन है प्लस जो ब्राइटनेस बार का जो स्टाइल है उसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, इवन जो क्विक सेटिंग्स पैनल है उसे भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, लेवल को हाइट करने का ऑप्शन है, वर्टिकल लेआउट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एनिमेशन स्टाइल का ऑप्शन है, डेटा यूजेस का जो फीचर से ऐड किया गया है। तो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस जो है पर ढेर सारी देखने को मिल जाएगा अल्फा डॉट के साथ। बाकी यहाँ पर पावर मेनू कस्टमाइजेशन प्लस यहाँ पर पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके फ्लैशलाइट को एनेबल कर सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम बटन के साथ डिवाइस को विकअप कर सकते हो, कॉल को आंसर कर पाओगे, गानों को स्किप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, बैटरी इन्फो का ऑप्शन है, वेदर सेटिंग्स का जो फीचर से ऐड किया गया है, डबल टैप टू स्लीप, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन फिंगरप्रिंट, इरर वाइब्रेशन का ऑप्शन है, प्लस रैपल एनिमेशन का जो फीचर से काम कर जाएगा, इवन लॉक स्क्रीन से पावर मेनू को डिजेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली पोको F5 डिवाइस के ऊपर अल्फाडॉट रॉम को ट्राई करके देखो।